हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 28 और उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। हमें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें फाइंड करना है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन एडिशन क्वेश्चन बैंक A84CA फाउंडेशन। तो आपको इक्वेशन दे रखी है और फाइंड करना है dy/dx। यहाँ पर देख रहे हो कि 3x² + 5x (7x + 4⁻⁻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 ⁻
अपॉन सेवन एक्स प्लस फोर। हमने यहाँ पर इसकी पावर माइनस को पॉजिटिव करते हुए नीचे ले आए हैं। अब हमारे पास यू अपॉन वी का एक मेथड आ गया, फॉर्मूला तो यू अपॉन वी का होता है। देखो यहाँ पर दो बातें बताता हूँ आपको, एक तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का मेथड होता है वी एज इट इज, यू का डिफरेंशियल माइनस यू एज इट इज, वी का डिफरेंशियल अपॉन वी का स्क्वायर। इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें और भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा, आप ज़रा ध्यान से समझें। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का ऊपर डिफरेंशियल आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस फाइव, थ्री एज इट इज एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो हो जाएगा सिक्स एक्स, और फाइव एक्स का हो जाएगा फाइव। मैंने ऊपर की वैल्यू का डिफरेंशियल कर दिया, अब नीचे की वैल्यू का मैं डिफरेंशियल करूँगा तो ओनली सेवन आ जाएगा, बिकॉज एक्स का डिफरेंशियल वन और फोर का डिफरेंशियल हो जाएगा जीरो कॉन्स्टेंट वैल्यू का। तो मैंने ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल कर दिया, नीचे का नीचे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, पहले जो नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वैल्यू को सिक्स एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेवन एक्स प्लस फोर को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सिक्स एक्स प्लस फाइव से, माइनस माइनस सेवन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स अपॉन सेवन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। इस तरह से मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, और आपने देख लिया होगा बिल्कुल इजी मेथड। यहाँ पर हम ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करते हैं, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करते हैं, फिर डेनोमिनेटर की वैल्यू को अपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए और नोमिनेटर की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो सेवन को सेवन एक्स को सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेवन सिक्स या फोर्टी टू एक्स स्क्वायर, सेवन सिक्स या फोर्टी टू एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी फाइव, थर्टी फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स, फोर को सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर एक्स, और फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा ट्वेंटी, माइनस 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 सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, और सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, अपॉन सेवन एक्स प्लस फोर। बिल्कुल इजी मेथड में आपके समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कितनी वैल्यू कैंसिल होती है, थर्टी फाइव एक्स से थर्टी फाइव एक्स का जगह कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो फोर्टी टू एक्स स्क्वायर में से ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, फोर्टी टू, फोर्टी टू एक्स स्क्वायर में से ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन सेवन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बिल्कुल ईजी वे में फॉर्मूला भी आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने शॉर्ट वे में जो आपको कंसेप्ट क्लियर कराया वो इसी फॉर्मूले का ही फॉर्म। तो इस तरह से बिल्कुल ईजी मेथड में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20A का जो आंसर आएगा आपके सामने ए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आओ समझते हैं। और वैसे नॉर्मली इसमें फॉर्मूला जो लगेगा यू अपॉन वी का लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, वी एज इट इज़ यू का डिफरेंशियल माइनस यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशियल अपॉन वी का स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन हम इस फॉर्मूले को मतलब इसके रिजल्ट को फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे। वैसे टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस वन, और ये पावर माइनस है इसलिए कहाँ से आ जाएगा नीचे आ जाएगा, फोर एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू ऊपर दो ब्रैकेट इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, टू एक्स का थ्री एक्स में मल्टीप्लाई करा तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन,
टू थ्री जै सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स और वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे सामने जो वैल्यू आई वो ये आ जाएगी, सिक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स और थ्री एक्स कितना हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन। बिल्कुल ईजी मैथड है। अब देखो फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, याद करेंगे, इससे बढ़िया शॉर्ट वे में फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। इसका जो डिफरेंशियल है सिक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वेल्व एक्स, सिक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो सिक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव, प्लस फाइव एक्स का वन हो जाएगा और एक का जीरो हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा फोर, फोर एक्स का फोर हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा जीरो, एक्स का डिफरेंशियल वन होता है। नीचे से शुरुआत करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया फोर एक्स प्लस वन इंटू ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव माइनस माइनस फोर इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, फोर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखें 4x को 12x से मल्टीप्लाई किया 48x स्क्वायर प्लस 20x, 4x का 5 से मल्टीप्लाई प्लस 12x प्लस 5 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 24x स्क्वायर, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24x स्क्वायर माइनस 20x, 5x को 4 से मल्टीप्लाई किया 20x माइनस 4 अपॉन 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस या प्लस जो भी होंगे वो करेंगे, 48x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24x स्क्वायर, 48 में से 24 माइनस हो जाएगा, 20x से 20x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 12x अकेला है देन 12x आ जाएगा और 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया प्लस 1, प्लस का 5 है माइनस का 4 है देन प्लस का 1 आ जाएगा अपॉन अपॉन 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं समझता हूँ कि यू अपॉन वी का मेथड नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए टफ क्वेश्चन है, लेकिन वो यदि इस मेथड को फॉलो करेगा तो वो यू अपॉन वी मेथड के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में सोल्व कर पाएगा और अच्छे से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो हमने देखा 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1 की पावर माइनस 2। तो मैंने देखा ऑप्शन ए इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में यू अपॉन वी मेथड का शॉर्ट फॉर्म सुन में आया होगा। 100% है ये मेथड आपके काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व करने में मददगार होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, खूब पढ़ें और वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक यू।